जिन्ना मूर्खा ने जिन्ना कुछ किया उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए। मूर्ख जो कुछ करते होंगे ना उड़ते जाते होंगे, मूर्ख मूर्खता ही करते गए, उड़ते ही चले गए, इन्ना उलझ गए ना जवाब है कोई नहीं। सचखंड च किसी को नहीं एंट्री हैगी किसी की खोटे की, गेट तो ही ने खरे खजाने पाए खोटे सिड़िया उत्थे तो खरे ने अंदर एंट्री होनी खोटे की। ऐसा तुम दसो भी जिनी संगत जाती है सारे ही खरे होंगे थोड़े उत्थे पैसे चढ़ा के जिन्होंने सरोपा दें खोटा तो होंगे ही नहीं, जिन्हों तो सरोपा मिलता खोटा होंगे वह थोड़ी निगाह तो खोटा होंगे नहीं, फिर तुम खोटिया की एंट्री क्यों होने दें उत्थे फिर सारे खड़े ने जो सचखंड है जो सचखंड है मुलाजम भी सारे खरे ही ने फिर उत्थे जिन्हें एंटर होंगे सब खरे ही ने। थोड़ा अपना नियम हो थोड़ा सचखंड हो गुरबाणी वाला सचखंड नहीं है तो धर्म कितों रह जाना सी धर्म रह कितों जाना सी पर भाषा ही बदलती सब कासे दी जो पंडित ने बाट पाड़ी सी ना अर्थ बदल के इन्होंने तो उदो भी बेड़ा कर करता माया ही दी और दीना ही कुछ नहीं सौ का नोट दीदा भी सौ का नोट चढ़ाया सरोपा दो बस वो नहीं दीदा भी लैके कितों आया चाहे कि जेब कट के लाया हो अगे बस पछाणीए पितरी चोर करे वह भी तो लिखा हुआ साढ़े बड़ी हथ दलाल के मुंशी ये करे वो की है आशा की बात लिखा नहीं है जे मोहा का कर मोहे जे कहते चोर किसी का घर लुट ले चोरी कर ले जे मोहा का कर मोहे मोहे कर पितरी दे चोरी का माल पितरां दे प्रथाए वह दान कर दे बाबू कह रहे गुरु आशा की बार च आशा की बार का रोज तुम कीर्तन करते हो और उस वेले करते की हो करते हो तो उल्ट कम मोहे कर पितरी दे अगे बस पछाणी है सजाणी है अगे जाके जिते पितरां नूं दान होनी उत्थे बस सजाणी भी तो चोरी दी सी चोरी दी बस तो थोड़े पितरां ने चोरी करके दिती है पितरी चोर करे थोड़े तो मुलजम वह फड़े जाणगे जिहदे घरों चोरी दे माल फड़िया जावे वह चोर हुंदा है गल दफा लगदी है उत्थे चोरी दी उहदे पितर भी चोर बणाते तू चंगा दान किया जां उल ते केस बन गया पितरी चोर करे जिन्हें चोर किया जिन्हें जिन्हें माल बकाया बचाले वड्डी है हथ दलाल के मुनस भी यह करे इंसाफ की गल है दलाल दे भी हथ बड़े जाने ने इन्हां दे लागू हुंदी है गल जे टैक्स की चोरी करके आदमी ने पैसे दिते ने वह भी चोरी है सरकार की चोरी है और टैक्स की चोरी वाले तुहाडे को लखां रुपये चढ़ाते ने मंदरां च हत्थां दी करत करके दसां नौआं दी लखां दी पैसे नहीं दे सकदा कोई गल नहीं दे तो न्याणे नहीं पाल सकता वह सोना जिहड़े पंज पंज लख दे रुमाले ने उही लोग दिंदे ने दलालां नाल की होऊ देख लियो गाहां जाके ये गाहां की गल है एक गल तो जरूर है ना कि सिक्खी का दुआला निकल गया थोड़ी गल च दम नहीं रहा पांच पांच लख दे रुमाले जरूर इतने चढ़ते हैं पर गल च जान नहीं रही थोड़ी च जिवें पंडित दी यार काजियां बामणा की गल थकी अगत पड़े शैतान वे ला लो जी बेचाले अरदास करन वाले ने अगत उही पढ़ते ने जेड़े तेरे दान की अरदास करते ने अगते पढ़ते ने जेड़े कहते ने तेरे दुकनी रात चौकनी तरक्की वो अगते पढ़ते ने दान मंजूर कराते ने ना उतो रिश्ता कटते ने ना परमेश्वर के घर च
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਮਾਇਆਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮਾਇਆਦਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਫੋਟੋ ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਟੌੜੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਟੌੜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੱਡਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।